अलेटा क्वेश्चन जे एडवांस दो हज़ार इक्कीस का सवाल है क्वेश्चन से इज दवी न्यूक्लियस क्यू ऑफ हाफ लाइफ ट्वेंटी मिनट्स हाफ लाइफ जो है अपने को ट्वेंटी मिनट्स दे रखी है अंडर गोज एल्फा डी के विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्सटी परसेंट एंड बीटा डी के विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्टी परसेंट इनिशियली क्यू न्यूक्लियाई इज वन थाउजेंड सो वी हैव एक हज़ार न्यूक्लियाईस जब भी हमने देखना शुरू किया टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे अपने वन थाउजेंड न्यूक्लियाई थे नंबर ऑफ एल्फ़ा डिकेज ऑफ क्यू इन द फर्स्ट वन आर इज आपके कितने अल्फ़ा डिके या कितने अल्फा पार्टिकल वहाँ पे अपने को मिलने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस है, है ये हमें बताना है ना इस सवाल को करने का एक तो सिंपल तरीका ये है इसको मैं दो मेथड से आपको सिखाता हूँ सो so, एक तो तरीका ये है कि आपको फॉर्मूले याद हैं और आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो रखी है वो वाला तो आपका कुछ दो तीन स्टेप में ये सवाल हो जाएगा अगर मान लो भूल गए कि कितना वो है तो फिर मैं आपको इसका देसी जुगाड़ जो है वो कैसे लगाते हैं जस्ट इन केस अगर आप भूल गए वो भी मैं आपको सिखाता हूँ तो मेथड वन ये होएगा कि हम ये कहते हैं कि आफ्टर एन हाफ लाइफ आफ्टर एन जो एन हाफ लाइफ हैं नंबर ऑफ रिमेनिंग जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल एन नॉट डिवाइडेड बाय टू टू पावर एन ठीक है ये तो आपके पास जो बच गए वो है डीके की अगर बात करोगे तो कितने डी हो गए उसको आप लिखोगे दैट विल बी इक्वल टू एन डीके कितने हो गए वो दैट विल बी इक्वल टू एन नॉट माइनस एन नॉट डिवाइडेड बाय टू टू दावर एन नाउ इस केस में क्योंकि हमें दिया हुआ है कि टी हाफ लाइफ जो है दैट इज़ इक्वल टू ट्वेंटी मिनट्स और आपका टोटल टाइम है दैट इज़ इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स तो इसका मतलब ये है कि आपकी थ्री हाफ लाइव्स हो गई थ्री हाफ लाइफ यहाँ पे बीत गई यानी कि n विल भी इक्वल टू थ्री तो उसको अगर हम यहाँ इंसर्ट कर दें तो अपना जो डी के है कितने आ, अपने न्यूक्लियर डी के हो गए देट विल बी इक्वल टू एन नॉट यानी कि वन थाउजेंड माइनस एन नाट वन थाउजेंड डिवाइडेड बाय टू टू दावर थ्री और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से ये कर सकते हैं कि हमने 1000 कॉमन लिया या टू टू दी पावर आपका बनेगा एट सो एट माइनस वन यानी कि सेवन बाई एट ये आपके डीके हो गए ना ये तो आपके टोटल क्यू जो डीके हुए वो हैं उनमें से कितने एल्फा पार्टिकल बने तो आपके एल्फ़ा पार्टिकल जो आएंगे दैट विल बी इक्वल टू सिक्सटी परसेंट सिक्सटी बाय हंड्रेड मल्टीप्लाइड सेवन थाउजेंड एट ये आपका फाइनल आंसर है ठीक है बस इसे कैलकुलेट करना है तो दो जीरो से आप ये दो जीरो कैलकुलेट कर दें और वो इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर फाइव टू फाइव आ जाएगा सो दैट मींस ऑप्शन डी फाइव टू फाइव दिस बी द राइट आंसर नाउ इसी को करने का एक और दूसरा एक और तरीका देखते हैं सो लेट्स कॉल दिस मैथड नंबर टू तो जस्ट केस अगर आप मान लो भूल गए फॉर्मूला और ये सारी कहानी तो सिनेरियो ये है कि ये आपके 1000 एलिमेंट हाफ लाइफ हुई एक टी हाफ जब आपका हुआ तो इसमें से आधे डीके हो गए ना यहाँ पे हमारा अजम्पन ये है आइडियली तो 1000 अगर देखेंगे तो बहुत छोटा एलिमेंट है ये यूजुअली बिलियन ट्रिलियंस में होते हैं या तब जाके हमें गारंटी लेते हैं कि टी हाफ लाइफ में हाफ ही होएगा बट कोई क्वेश्चन में दे रखा है सो लेट्स अज्यूम दैट तो 1000 थाउजेंड ये एक हाफ लाइफ में 500 हुए दूसरी हाफ लाइफ में 250 फिफ्टी और तीसरी हाफ लाइफ के बाद आपके पास जो एलिमेंट्स बचेंगे दैट विल बी इक्वल टू वन टू फाइव ठीक है तो इसका मतलब यह है कि आपके कितने डीके हो गए तो यहाँ डीके देखेंगे तो पाँच सौ डी हो गए यहाँ पे आपके टू फिफ्टी डी हो गए यहाँ पे वन ट्वेंटी फाइव डी हो गए एंड में आपके जो बचे वो वन ट्वेंटी फाइव है तो इतने 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 आपके डीके हो गए थाउजेंड में से डायरेक्ट वन ट्वेंटी फाइव माइनस भी कर सकते हैं तो आपके जो डीके हो गए उनकी बात कर लें रिमेनिंग तो वन ट्वेंटी फाइव है जो डीके हो गए आपके अगेन ये वाला मेथड तब है जब नंबर ऑफ साइकिल तीन चार के आसपास हैं अगर दस हाफ साइकिल आ गए तो करना पॉसिबल फिर तो ये वाला तरीका करना होगा सो तो डी के कितने हो गए ये आ जाएंगे आपके फाइव हंड्रेड प्लस टू फिफ्टी प्लस वन ट्वेंटी फाइव सो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ये तो हो गया फाइव ये हो गया दस सेवन ये हो गया पाँच छः सात एट सेवेंटी फाइव ये तो डी के हो गए नाउ एल्फा पार्टिकल जो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट विल बी गल टू सिक्सटी डिवाइड बाय हंड्रेड या सिक्सटी परसेंट मल्टीप्लाइड बाय एट सेवेंटी फाइव सो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी फिर फाइव टू फाइव आ जाएगी सो दैट मीन्स ऑप्शन डी फाइव टू फाइव ये देट विल बी आर करेक्ट आंसर